तो फ्रेंड्स, अंजनेरी इज़ द प्लेस जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो ब्लॉग में बने रहो एंड हाँ, शेयर ज़रूर करना। अगर आप यहाँ पर खुद के व्हीकल से आते हो तो आपको यहाँ पर आना बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, बट अगर आप हमारी तरह बस या ट्रेन से आते हो तो आपको सबसे पहले नासिक आना होगा एंड वहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाने वाली बस आपको यहाँ तक छोड़ देगी। देन उसके बाद आपको यहाँ से पैदल अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करना होगा। सो वी स्टार्टेड टू ट्रैक अंजनेरी हिल्स। सो दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ तक टू व्हीलर्स अलाउड है, बट इसके आगे पैदल चलना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। टू व्हीलर से आप इसके आगे भी ले जा सकते हो बेस तक, जहाँ पर मतलब सब चेकिंग वगैरह होता है, बट फिलहाल टू व्हीलर यहीं तक अलाउड थी। एंड हाँ, ये जो राइट साइड का रास्ता है टू व्हीलर्स वाला या फिर लॉन्ग कट है, एंड पैदल चलने वालों के लिए जो लेफ्ट साइड से एक रास्ता है जो कि शॉर्टकट है, एंड जो पाइवट जो बोलते हैं हम, जो पैदल चलने वालों के लिए भी जाएगा वो, तो हम उसी से जाएंगे जो लेफ्ट साइड का शॉर्टकट है उससे। सो लेट्स स्टार्ट। जय श्री राम। ये संकेत सब्सक्राइब इंजीनियर गेमर एंड विनील मालवी एंड कंटेंट नेशन। इंजीनियर गेमर ब्रो बीजीएमआई ओपी। मानसून की वजह से यहाँ पर बहुत से लोग ट्रैक पर आए हुए थे, बट हाँ ये थोड़ा लंबा ट्रैक है बट ईजी है। एंड हाँ, ऊपर से जो व्यूज़ आएंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। ये है चेतन। अरे हाय। ये इस यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह के सबके साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है एंड हाँ 10 rupees पर परसन चार्ज किया जाता है एंड आपके बैग वगैरह यहाँ पर चेक किए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है जो लोगों पर दारू वगैरह मतलब अल्कोहल वगैरह ना ले जाता है। सो यहाँ से सीढ़िया मेन स्टार्ट हो रही है, तो चलते हैं। यहाँ पर बीच बीच में बंदर बहुत ज़्यादा है एंड हाँ, वो फोन देखते या फिर बैग वगैरह देखते वो छीनने की कोशिश करते हैं, बट हाँ वो बहुत अच्छे हैं। इसके लिए आप हाथ पे एक लकड़ी रख सकते हो जिससे वो आपके बिल्कुल पास ना आए, बट हाँ इन्हें आप कुछ खिला भी सकते हो, तो प्लीज़ जब भी आप आओ तो इनके लिए कुछ खाने के लिए ज़रूर लाओ। चल चल मुँह में। सी द व्यूज। हमको जो पीछे से दिख रहा है टॉप, यहाँ पर जाना है। सो स्टे ट्यून्ड। यह है अंजनी माता टेम्पल। ये बहुत पुराना टेम्पल है, बट हाँ अच्छी बारिश स्टार्ट होगी तो इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखने वाले, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।
यह बोला जाता है कि हनुमान जी के पैर से बना हुआ तालाब है जिसका व्यू ऊपर से बहुत ही क्लियर एंड बहुत अच्छा दिखने वाला है। ये टॉप नहीं है बट हाँ यहाँ पर एक भगवा झंडा है एंड जो टॉप है वो मंदिर है आगे, बट यहाँ पर मे बी एक फोटो पॉइंट जैसा है, जैसे कि आप यहाँ पर रहकर व्यूज़ देख सकते हो, नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं यहाँ से। सो यार आप यहाँ के जो व्यूज़ है वो एंजॉय करो एंड आप देख सकते हो बादल कितने पास है यहाँ से। आप देख सकते हो सिर्फ बादल है, सिर्फ बादल। यहाँ कभी थोड़ी देर के लिए सूरज आ जाता है तो कभी चला जाता है, जिसकी वजह से व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। अब बारिश आके चली गई। बादल बहुत निकाल लिया मैंने। यस ये वो पैर जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि पूरा हनुमान जी के पैर के शेप से है, मतलब इतना बड़ा पैर। इतने हाइट पर होने के बावजूद भी उस तालाब पर पानी होना, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो चलो अब हम चलते हैं फाइनल टेंपल, जो कि हनुमान जी एंड अंजनी माता का टेंपल है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ का रास्ता थोड़ा बहुत स्लिपरी है बारिश की वजह से, बट हाँ यहाँ पर कुछ प्लांट्स एंड कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो कि आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ अंजनेरी पर्वत पर ही देखने के लिए मिलेंगे। बोला जाता है कि जिनका इम्पोर्टेंस आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा है, बट हाँ हमको कुछ उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम कुछ उसके बारे में बता नहीं सकते। कितनी दूर है? एंड इस मंदिर में जो मूर्ति है वो कंसेप्ट ऐसा है कि अंजनी माता के गोद में अंजनी माता हनुमान जी को पकड़ कर है। तो मेरे को लगता है कि ये मूर्ति, ऐसी जो मूर्ति है पूरे वर्ल्ड में एक ही होगी एंड वो भी सिर्फ यहाँ पर, जो कि अंजनी हिल्स जो है।
एक किले पर होनी चाहिए, लाइक कि ये वाटर स्टोरेज के लिए बनाया हुआ एक टाका जैसे का है। और ये इनका इम्पोर्टेंस तो पता नहीं, बट हाँ ऐसी बहुत सी मूर्तियाँ वहाँ पर हैं। तो यस, मैं मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहा हूँ। एंड हाँ, ऐसे और भी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना एंड लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।